तो हे हेलो गाइस यार, कैसे हो। माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आए हैं प्लम्बर सीडी के अंदर। जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं अपनी प्लम्बर सीडी के अंदर। इसको स्पेशली बनाया गया है ग्रैंड पैमैक्स ने और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी सीडी है। इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने हैं। पूरी सीडी को हम लोग इतना ज़्यादा एक्सटेंड करने वाले, तो उसके लिए तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस यार, चलो फिर आज के पार्ट के अंदर हम लोग आपको पूरी अपनी प्लम्बर सीडी दिखाने वाले हैं। और ये ग्रैंड पैमैक्स कुछ कह रहे हैं कि रात के अंदर इस प्लम्बर सीडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अजीब गरीब आवाज़ आती है, तो हम लोग को ये मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। और हाँ, बेंटन भी आज इस वीडियो के अंदर है, लेकिन बेंटन आज एक होटल के अंदर है, तो वो वाला होटल में हम आपको दिखाएंगे जल्दी से। ओ मुन्ना, बीच में बोलने के लिए माफ़ कर दे, लेकिन मुन्ना मेरे को ना सबसे पहले इनको शाउट आउट देने दे। तो मेरी तरफ से इन सभी लोगों को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट जाता है। ओए कोई बात नहीं यार भैया, बोली शाउट आउट मेरी तरफ से भैया इन सभी लोग को शाउट आउट जाता है। तो कहते यार, आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो सबसे पहले कमेंट में करना, मतलब अपने कमेंट में शाउट आउट लिखना। और हम लोगों ने गाइस यार इलाइट्रा उड़ाना सीखा है। जी हाँ, ये ऐसे करके हम लोगों ने इलाइट्रा उड़ाना सीखा है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होती है। ओए मुन्ना, इनको जल्दी से दिखा देना अपनी, ज्यादा ये आप पे शान पट्टी हो जाएगी। ओए हाँ यार भैया, रुके मेरे को जल्दी से इनको इलाइट्रा उड़ाने दीजिए। ओए मुन्ना जल्दी से उड़ाना। ओए रुके भैया, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए। ओके मुन्ना, ये उड़ गई अपनी लाइटर। ओए हाँ गाइस यार, इस तरीके से ये लाइटर उड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पर विलेजर है और ये वाला होटल है जिसके अंदर ग्रैंड पैमैक्स ग्वेन और साथ ही साथ बेंटन भी रुके हुए हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इससे पूछते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड पैमैक्स के नाम की बुकिंग है। ओ बेंटन, यहाँ बेंटन और ग्रैंड पैमैक्स के नाम की कोई बुकिंग है तो जल्दी से बता देना हमको। ओए अरे भैया यार, ये तो थोड़ी सी ब्रेड मांग रहा है। भैया ब्रेड मांगते, चलो भैया इसको हम थोड़ी सी ब्रेड दे देते हैं और भैया उसके बाद हम लोग को लोकेशन बता देगा। तो लो भैया यार, ये ब्रेड लो तुम। ओए मुन्ना, ये कह रहा है कि अपने सेकंड फ्लोर के अंदर है, तो सेकंड फ्लोर के अंदर चल जल्दी से ग्रैंड पा मैक्स से बात करके आते कि कितनी बढ़िया सी प्लम्बर सिटी बना रखी है उन्होंने। ओए हाँ यार भैया, चलो जल्दी से हम लोग चलते हैं वहाँ पर ग्रैंड पा मैक्स के पास। तो चलिए भैया, ये यहाँ पर है सीढ़ियाँ और ऊपर भैया चलते हम लोग ग्रैंड पा मैक्स के पास आ जाएंगे। ओए मुन्ना, ये जल्दी से मेरे को गेट खोलने दो और जल्दी से नीचे चलते हैं हम। ओए अरे यार भैया, ये लैडर कैसे गड़बड़ हो रही है, हम लोग तो जा ही नहीं पा रहे। ओए मुन्ना रुक जा, ऐसे क्या होएगा, मैं अपने आप बड़े आराम से चला जाऊंगा यहाँ पर। ओए अरे भैया यार, यहाँ पर तो हम आ गए, लेकिन भैया यहाँ पर तो हमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ओए मुन्ना, वो उसने हमें पागल तो नहीं बना दिया ना। ओए रुके भैया, फिर भी हम लोग चेक कर लेते एक बार कि भैया यहाँ पर वो है क्या नहीं। ओए मुन्ना, मेरे को लगता है कि यहाँ पे किसी ने इनके ऊपर अटैक करके उन्हें कोई उठा ले गया होगा। ओए अरे भैया यार, ऐसी क्यों बातें करते हैं, रुके मेरे को यहाँ पर अच्छे से चेक करने दीजिए, इस कमरे में भी नहीं है भैया। ओए मुन्ना, फिर तो से बार बार पूछ कर आना पड़ेगा कि कौन से रूम में है वो। ओए हाँ यार भैया, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, हम लोग लगता है भैया गलत फ्लोर पे आ गए शायद से। ओए मुन्ना, फिर तो नीचे वाले फ्लोर के अंदर चेक करते, क्या पता यहीं पर हो वो। ओए रुके भैया यार, यहाँ पर तो सच्ची में कोई नहीं है, मेरे ख्याल से तो भैया उन्हें यही होना चाहिए था। ओए मुन्ना, इसका मतलब तो काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई होगी ना, वो यहाँ पर नहीं होंगे तो। ओए रुके भैया यार, ऐसा नहीं हो सकता है, ग्रैंड पैमैक्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिखते हैं भैया कि कोई अगले फ्लोर के अंदर तो नहीं है ना वो। ओए मुन्ना, नीचे फिर नीचे चल के देखते हैं कि कितने यहाँ पर फ्लोर हैं। ओए अरे भैया यार, ये तो फर्स्ट फ्लोर था और भैया यहाँ पर सेकंड फ्लोर तो ये था और हम लोग थर्ड फ्लोर के अंदर चले गए थे। ओए मुन्ना, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है पागल। ओए अरे यार भैया, यहीं पर होंगे शायद से, लगता है भैया हम लोग फिर से गलत फ्लोर पे आ गए हैं, ये तो भैया थर्ड फ्लोर है। ओए मुन्ना, क्या कन्फ्यूजन हो रही है, ये सेकेंड फ्लोर तो जल्दी से सेकेंड फ्लोर के अंदर चलते और यहीं पर होगा क्या ग्रैंड पा मैक्स। ओए हाँ यार भैया, ग्रैंड पा मैक्स यहीं पर ही है और भैया साथ ही साथ यहाँ पर ग्वेन भी है। ओए यहाँ पर क्या टक गए, बेंटन किधर, अपना दोस्त बेंटन। ओए बेंटन तो किधर चला गया। ओए अरे यार भैया, बेंटन भी यहीं पर ही होंगे, तो भैया हम लोग ग्रैंड पैमैक्स से थोड़ी सी बात करते हैं। और ग्वेन यार, तुम कैसी हो। ओए मुन्ना, चल जल्दी से इन दोनों से बात करते और जल्दी से अपने दोस्त बेंटन के बारे में पूछते और जल्दी से पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लेते हैं। ओए हाँ यार भैया, चलिए जल्दी से चलते हैं।
तो गाइस यार ग्रैंड पैमैक्स कह रहे हैं कि बेंटन भी इधर इधर ही होगा, तो तुम जाओ जल्दी से बेंटन के पास जाओ, क्योंकि कल रात बेंटन यहाँ पर अकेले घूम रहा था और उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो हम लोग को गाइस यार वो वाली मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। ये रहा भैया बेंटन, जल्दी से चलिए हम लोग बेंटन से बात करते हैं। अरे भैया यार बेंटन तुम क्या हो गया कि तुम इस तरीके से हो गए? ओ बेंटन यार तेरे को ये क्या हो गया, जल्दी से हम लोग को जल्दी से मिस्ट्री बता दे कि कल रात तूने क्या देखा। रुके भैया यार यहाँ से जाने का रास्ता ही नहीं है, चलिए जल्दी से बेंटन से पूछते ये बात। ओए मुना ऐसी बात हो गई, ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। ओए अरे यार भैया ये चिंता वाली बात है तो बेंटन को आपने मारा क्यों? जल्दी से भैया नीचे भागे, नहीं तो बेंटन हमें तोड़ फोड़ देंगे। ओके क्या मार भी दिया इसने तो। ओए अरे यार भैया आपको क्या चिंता थी कि बेंटन को आपको मारने की? ओए मुना मेरे को तो कुछ नहीं पड़ा था, लेकिन मुना चल इनको बता देते कि क्या बात हो गई यहाँ पर। ओए हाँ गाइस यार बेंटन कह रहे थे कि रात के समय में उन्हें कोई यहाँ पर अजीब सा यहाँ पर कोई चलता दिखाई दिया, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लम्बर सिटी के अंदर कौन आ गया। लगता है ग्रैंड पैमैक्स को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। ओए मुना फिर तो हमें इसकी मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी ना। ओए हाँ यार भैया हमें ही सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन भैया हमारे पास तो यहाँ पर कोई चीज भी नहीं है, जैसे कि भैया ओमनीट्रिक्स भी नहीं है। लेकिन भैया ग्रैंड पैमैक्स कह रहे हैं कि नीचे उन लोगों ने सामान रखा हुआ है, तो उस सामान को तुम पहनो और अगर कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो तुम उससे सेफ रहोगे बिल्कुल। ओए मना वो सामान किधर रखा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ओए रुके भैया मेरे को देखने दीजिए सामान किधर रखा है, लगता है भैया बिना सामान के हमें चलना पड़ेगा। तो भैया वैसे भी रात हो गई है, चलिए जल्दी से चलते हैं ग्रैंड पैमैक्स को एक बार हम बता के आते हैं। तो गाइस यार ग्रैंड पैमैक्स को हम लोग बता के आ चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और देखते हैं भैया इसकी मिस्ट्री क्या है। ओए मुना मेरे को वहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है। ओए हाँ यार भैया ये तो भैया वेयरवुल्फ है, इसका भैया ऊपर भैया लाइनें भी आ रही है। ओए मुना ये वेयरवुल्फ कहाँ से आ गया? ओए अरे भैया सामने की तरफ देखिए तो भैया कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ओए मुना मेरे को देखने दो कि क्या मुना यहीं पर ही आ रही है वेयरवुल्फ। ओए अरे भैया यार ये तो बेंटन का एक एलियन है जो कि भैया काफी ज्यादा खतरनाक एलियन होता है। ओए मुना फिर तो हमें एक बार जल्दी से सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये डिस्पोन होता है या नहीं। ओए हाँ यार भैया जल्दी से हम लोग देखते हैं रात सुबह होने का। तो गाइस यार अब सुबह हो चुकी है, हम लोग देखते हैं कि वेयरवुल्फ तो अभी चले जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी वेयरवुल्फ जो होते हैं वो रात के समय पे आते हैं। ओए मुना देखते हैं ना यहाँ पे जल्दी से अपनी इलाइटर से देखते हैं, क्योंकि मुना अगर हम नीचे से चलेंगे तो हमें तोड़ी फोड़ देगा। ओए अरे यार भैया ये इलाइटर भी इस समय पे यूज़ नहीं हो रही है, जल्दी से भैया इस इलाइटर को यूज़ करिए ना। ओए मुना वो सामने की तरफ तेरे को वेयरवुल्फ दिखाई नहीं देता क्या? उसके सामने तो मेरी सारी पैंटी गीली हो जाती है। ओए अरे यार भैया वो तो कितना खतरनाक लग रहा है, वो तो भैया सीधा हमारे पास ही आ रहा है, जल्दी से भागे ना। ओ ये क्या मुना तेरे पास सोड़ है तो इसको जल्दी से मारना। ओए रुके भैया यार ओ ये क्या मार भी दिया इसने। ओए अरे भैया इसके बारे में तो हम लोग को ग्रैंड पैमैक्स को बताना होगा कि ग्रैंड पैमैक्स यहाँ पर वेयरवुल्फ आया हुआ है और ये बेंटन का एक एलियन भी है। ओए मुना फिर तो ग्रैंड पैमैक्स को जल्दी से बताना पड़ेगा, लेकिन मुना इस समय पे ये इलाइटर भी तो यूज नहीं हो रही ना। ओए क्योंकि भैया पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अगर हम लोग इलाइटर को उड़ाएंगे तो जरूर से इलाइटर उड़ेगी। अरे भैया यार ये इलाइटर उड़ भी तो नहीं रही ना। ओए इलाइटर उड़ जाना तेरे क्या दिक्कत हो रही है? ओए उड़ गई। ओए जल्दी से भैया चलते हम लोग जल्दी से ग्रैंड पैमैक्स के पास। अरे यार भैया ये लाइटर ने तो हमें इतनी जल्दी भी मार दिया। ओए लाइटर इतना दिमाग खराब है क्या? भैया जल्दी ओए क्या मुना जल्दी से चलना पड़ेगा, ग्रैंड पैमैक्स को सारी बातें बतानी पड़ेगी यहाँ पर तो। ओए हाँ गाइस यार हम लोग जल्दी से ग्रैंड पैमैक्स के पास चलते हैं, लेकिन ये लाइटर हमारे काम ही नहीं दे रही। ओए मुना फिर तो जल्दी से भागना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे पर ये ओए क्या ओए यूज होगी। ओए अरे यार भैया वेयरवुल्फ ने फिर से मार दिया, इसका मतलब भैया वेयरवुल्फ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग को तो एक ग्रैंड पैमैक्स को बता भी नहीं दे रहा कि यहाँ पर वेयरवुल्फ आ गया। ओए मुना फिर तो जल्दी से तेरे को इलाइट्रा नहीं उड़ानी आ रही क्या? तू तो कह रहा था तू तो प्रो बन गया इलाइट्रा उड़ाने में। ओए हाँ यार भैया चलिए जल्दी से अभी लाइटर उड़ चुकी है, अब भैया जल्दी से हम लोग को वहाँ पर होटल में चलना और जल्दी से ग्रैंड पैमैक्स को ये सारी बातें बतानी है। ओए मुना जल्दी से फिर तो चलने की, तो तेरे पीछे वेयरवुल्फ आ जाएगा। ओए रुके भैया मैंने गेट तो बंद कर दिया है, अब भैया जल्दी से हम लोग चलते हैं ग्रैंड पैमैक्स को सारी बातें बताते हैं। इतने भैया हम लोग इसको कह देते हैं कि सारी बुकिंग बंद कर दे यहाँ की। ओए मुना वो तो बुकिंग बंद कर देगा, वो तो बाद में बोलेंगे, चल ग्रैंड पैमैक्स के पास जल्दी से चलते हैं। ओए
अरे भैया, हम लोग फिर से गर्ल फ्लोर पे आ गए, इसे नीचे वाले फ्लोर पे चलना है। तो दिल्ली से भैया इस फ्लोर के अंदर चलते हैं ना। ओ क्रैट पर मैं जल्दी हमारी बात सुन ले, यहाँ पे ना वेयरवुल्फ का अटैक हो गया है। ओ हाँ यार भैया, जल्दी से ग्रैंड पा मैक्स किधर है? भैया ग्रैंड पा मैक्स किधर गए? मतलब मेरे को क्या पता, देख तो ग्रैंड पा मैक्स किधर गए। ओए रुके भैया, हम लोग जल्दी से ग्रैंड पा मैक्स को सारी बातें बता के आते हैं। तो वैसे हम लोग सारी बातें ग्रैंड पा मैक्स को बता दी है, और ग्रैंड पा मैक्स कह रहे हैं उसके लिए तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोगों को बेंटन को भी ये बात बतानी है। तो बेंटन यार, यहाँ पर वेयरवुल्फ का अटैक हो गया है, तुम हमारी हेल्प करोगे या नहीं? ओए मुन्ना जल्दी से बात करते जल्दी से। ओए तो गाइस ये सारी बात हो चुकी है, सबसे पहले तो हमें नीचे जाके इस होटल की बुकिंग बंद करानी है कि यहाँ पर आगे कोई, यहाँ पर भैया कस्टमर नहीं आना चाहिए। ओए मना बिल्कुल तो सही कह रहे। ओए विलेजर जल्दी से तू सुन ले, यहाँ पर कोई भी किसी की भी एंट्री नहीं होने देनी तेरे को। ओए और भैया सेकंड चीज यहाँ पर है, ग्रैंड पा मैक्स ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रख रखा है, तो भैया उसी सामान को हम लोग को बिल्कुल अच्छे से डालना है, और भैया हम लोग को सबसे पहले उस वेयरवुल्फ की सारी पावर्स को देखना है कि भैया वो वेयरवुल्फ कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ओए मना चल ठीक है, इस बात को देखना, उसको मारना तो नहीं ना। ओए हाँ यार भैया, अगर मरता है तो हम उसको मार देंगे। भैया सबसे पहले हम लोगों ने ये सारा आर्मर वगैरह डाल लिया है, इस लाइटर को अंदर रखते हैं, सारी चीजों को अंदर रख दिया हमने। ओए मेरा जल्दी से फिर तो अब उस वेयरवुल्फ को ढाक के टिक्की कर देंगे। ओए अरे भैया यार संभल के रहिएगा, क्योंकि भैया वेयरवुल्फ काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओए मेरा ये तो है पर यार, इसको जल्दी से तोड़ ना तू तो। ओए रुके भैया, जल्दी से मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ। अरे भैया यार, यहीं पर एक विलेजर भी खड़ा है। ओए मुन्ना जल्दी से इसको मारना, इसकी काफी ज्यादा एसपी कम हो रही है। ओए हाँ यार भैया, अगर ये खत्म हो गया एक ही बारी में तो ठीक है, अगर भैया हम मर जाते हैं तो हम लोग को अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर। ओए मुन्ना हम तो मर ही गए यहाँ पर। ओए इसका मतलब भैया वेयरवुल्फ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग को ये सारी बातें ग्रैंड पा मैक्स को बतानी पड़ेगी, इस चीज का सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। ओए बुना वो तो अगली वीडियो में कर पाएंगे ना हम तो। ओए हाँ गाइस यार, पता नहीं है वेयरवुल्फ प्लम्बर सिटी के अंदर कैसे आ गया है, उसके मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले आया था बैन मम्मी आई थी, अब आगे वेयरवुल्फ, पता नहीं इन सबको कौन भेजे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो भैया विल गैग जरूर से रिटर्न आएगा, तो गाइस यार जरूर से आप अगली वीडियो को जरूर से देखना कि इसको भेजा किसने। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।